नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। एक बड़ी खबर है, जेडीयू से संबंधित खबर है, बिहार की राजनीति से संबंधित खबर है। जी हां, खबर है पीके की। पीके यानी प्रशांत किशोर, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान यह है कि पीके से जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री पद के लिए क्या वो नीतीश कुमार को योग्य मानते हैं या वो नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन वो इशारों इशारों में नीतीश कुमार की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए के। इसके साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार के बाद क्या वो बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस पर पीके का कहना था, प्रशांत किशोर का कहना था कि जो सार्वजनिक जीवन होता है, राजनीति में कोई भी किसी का, लोकतंत्र में कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता है, ये पार्टी को तय करना होता है और पार्टी के बाद जनता को तय करना होता है। उन्होंने नीतीश कुमार की उस बात को दोहराया जो नीतीश कुमार ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, उत्तराधिकारी की परंपरा लोकतंत्र में नहीं है, पार्टी और जनता तय करती है कि किस प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि अगर बहुमत की संख्या से एनडीए पीछे रह जाती है या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, बीच में ये खबर चली थी कि तो नीतीश कुमार इस स्थिति में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने एनडीए से हाथ छुड़ा लिया था और वो अलग होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में वो एनडीए का दामन उन्होंने फिर से थाम लिया और फिलहाल वो एनडीए के साथ हैं और कई बार कई मंचों से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे हैं और कई बार उन्होंने ये दोहराया है कि 2019 में मोदी का विकल्प, पीएम मोदी का विकल्प कोई नहीं है, पीएम मोदी ही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, वही चेहरा होंगे, उनके ही चेहरा पे पूरे देश भर में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए के भी चेहरा वही होंगे। पीके ने भी उसी बात को दोहराया है, लेकिन जिस तरीके से पीके की बात यानी कि प्रशांत किशोर की बात उद्धव ठाकरे से हुई, उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो कयास लगाए जाने लगे कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस खबर को प्रशांत किशोर ने, जो कि बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी रणनीति के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को खंडन कर दिया है कि अब एनडीए में प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, 2019 के चुनाव परिणाम पर यह निर्भर करता है कि देश का पीएम कौन होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा सत्ता वापसी उनकी होती है, क्या वो दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होते हैं या फिर कोई और प्रधानमंत्री पद का चेहरा होता है 2019 में। इसके लिए तो आपको भी और मुझे भी 2019 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा और भी कोई पॉलिटिकल लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई पॉलिटिकल हलचल होती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।